इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल जाएंगे, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनने पर जाएंगे और वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह बढ़ाएंगे। भारत 100 करोड़ डोज के बेहद करीब है। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव की यह खबर है। देखिए, ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है और हर कोई बधाई का पात्र है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बड़े जश्न की तैयारी है, जिसको लेकर के पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे। अब से कुछ देर में हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, जिसको लेकर के वहां पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। और आज भारत स्वर्णिम इतिहास रचेगा टीकाकरण अभियान में, क्योंकि भारत चीन के बाद दूसरा ऐसा देश बनेगा जो सेंचुरी लगाएगा, यानी कि 100 करोड़ वैक्सीन की डोज पूरी करेगा। और अनुमान जो है, क्योंकि कुछ डोज बाकी है, ऐसे में 10 बजे से 12 बजे तक भारत इस आंकड़े को छू लेगा। बड़ी खबर यह है, पीएम मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाएंगे और यहां पर तमाम स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना वॉरियर्स को बधाई देंगे। उनका हौसला बढ़ाने के लिए पीएम मोदी जा रहे हैं, क्योंकि आज देश में जगह जगह जश्न की तैयारी है। और बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी आरएमएल अस्पताल जाएंगे। हमारे सहयोगी अरुण फोनलाइन, रवि सिंह हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। रवि, क्या कार्यक्रम है पीएम मोदी का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब से थोड़ी देर के बाद ही आरएमएल अस्पताल पहुंचने की तैयारी है और पूरा वहां पर आरएमएल अस्पताल में तैयारी हो चुकी है। सुरक्षा के लोग पहुंच चुके हैं, एसपीजी के जवान भी पहुंच चुके हैं तैनात वहां पर। सबसे बड़ी बात यह है कि 100 करोड़ का जो वैक्सीनेशन है, 100 करोड़ डोज का वैक्सीनेशन अब से थोड़ी देर के बाद ही कंप्लीट होने वाला है और इसको लेकर ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारियां केंद्र सरकार की तरफ से की गई हैं। लाल किला पर भी तैयारियां की गई हैं, लेकिन आरएमएल में अब से थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। जो मुझे अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक, जो मेरे सोर्स बता रहे हैं, वहां पर फ्रंटलाइन वर्कर्स से वो प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। कुछ लोग जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और ऐसे लोगों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री कर सकते हैं जिन्होंने कोरोना की पहली डोज शुरुआती दौर में ही ली थी, यानी कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी और उस समय जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने पहली डोज शुरुआती दौर में आगे आके खुद से उन्होंने लिया था, प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे, हौसला अफजाई, उनका हौसला बढ़ाएंगे। क्योंकि शुरुआती दौर में भी देखने को मिला था कि लोग सामने नहीं आ रहे थे, उनके मन में डर था, तो तमाम ऐसे स्वास्थ्य कर्मी वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और उसकी वजह से उनका देखा देखी, उनको देखकर तमाम लोग आगे बढ़े हैं। बिल्कुल, अभी तो बहुत सारी आशंकाएं थी और इसी को दरकिनार करते हुए स्वास्थ्य कर्मी आगे बढ़े और इस आंकड़े को आज हम छूने वाले हैं।